हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं टू बाई क्लासेस। इस मैटर अराउंड अस प्योर एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। बट इसके पहले इन्फॉर्मेशन, अगर इस चैप्टर के पूरे सॉल्यूशंस आपको चाहिए, क्लास 9th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर कुछ भी चाहिए, तो पेन कमेंट चेक करिए, वहाँ रीड मोड पर क्लिक करिए, सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों बोल रहा है ये कौन से पेज नंबर पे बेटा? पेज नंबर 29 ना, पेज नंबर 29 पे एनसीईआरटी में कह रहा है हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। बच्चों समझो, आपको कलरलेस लिक्विड दिया, आपने पानी देखा ना सबने, वाटर देखा आपने, ठीक है, वो वाटर कलरलेस है, ऑब्वियसली उसमें कोई कलर तो है नहीं, तो वो कलरलेस वाटर आपको उन्होंने दे दिया है। कह रहे हैं कि बताइए कैसे पता करोगे कि ये प्योर वाटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत ध्यान सुनो। देखो आपको उन्होंने क्या दिया है, आपको उन्होंने एक कलरलेस लिक्विड दे दिया है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो बेटा ये कलरलेस लिक्विड ऐसा हो सकता है कोई अदर केमिकल भी हो सकता है, सुन लो, कोई दूसरा केमिकल भी हो सकता है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये कोई अदर केमिकल भी हो सकता है, सही है, अदर केमिकल जैसे कि इथेनॉल, जैसे कि इथेनॉल, ठीक है ना, अल्कोहल जो होता है ना इथेनॉल, ठीक है ना। पता है इथेनॉल को आपने कभी अगर लैब में देखो, जो लैब में इथेनॉल रखा रहता है वो भी एकदम वाटर जैसा ही दिखता हुआ, हाँ हालांकि उसकी थोड़ा सा बर्निंग स्मेल आती है, उसको आप स्मेल करोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई इथेनॉल है, लेकिन मान लो हमने आपको स्मेल नहीं करने दिया फिर, ठीक है ना। तो आपको दूर से हमने ऐसा दिखाया दो सैंपल, ये देखिए ऐसे ये फ्लास्क में रखे हुए हैं, ये देखिए ये ऐसे हमने दूर से दिखाया, हमने कहा कि भाई एक में इथेनॉल है एक में वाटर है, बताओ कौन सा इथेनॉल कौन सा वाटर है, दोनों देखने में आपको एक जैसे लगेंगे। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ क्या कि ये कलरलेस लिक्विड या तो क्या हो सकता है अदर केमिकल हो सकता है जैसे कि इथेनॉल, या तो पता है ये वाटर तो होगा, ये वाटर तो होगा बच्चों, लेकिन ये वाटर कैसा होगा, इम्प्योर वाटर होगा। अब इम्प्योर वाटर क्या होता है सर, सुन लो ध्यान से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इम्प्योर वाटर है, अगर ये इम्प्योर वाटर है तो इसका ये दिखने में कलरलेस कैसे होगा। अरे भाई केमिस्ट्री में प्योर और इम्प्योर क्या होता है, इम्प्योर का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अलावा इसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स भी मिले हुए हैं, वाटर के पार्टिकल के अलावा इसमें दूसरे पार्टिकल भी मिले हुए हैं, मिक्स हुए हुए हैं, करेक्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए बच्चों, जो आपके टैप में पानी आता है, नल में जो पानी आता है, आपने देखा है आप तो फिल्टर विल्टर लगा के उसको पीते हो आराम से, आरओ वगैरह सब लगा के पीते हो, ठीक है ना, लेकिन फिल्टर जो डायरेक्ट आपका टैप में पानी आता है, पता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम वो हार्ड वाटर होता है एक्चुअल में, ठीक है ना, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद रहती हैं, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें कैल्शियम के आपको आयंस मिलेंगे, मैग्नीशियम के आयन मिलेंगे, यानी कि मोटी मोटी भाषा में आप ये बोल सकते हो कि वाटर के अलावा आपको उसमें दूसरे पार्टिकल्स भी मिलेंगे। अब एक बार बताइए, नल से जो पानी आता है, टैप से जो पानी आता है, उस पानी को आप वाटर में ले लीजिए, वाटर में कह रहे हैं सॉरी, एक फ्लास्क में लीजिए, ठीक है, ये टैप वाटर है, नल से जो पानी आता है उसको आप लीजिए। एक बार बताओ जब आप पानी लेते हो तो आपको देखने में कैसा लगता है, एकदम कलरलेस लगता है, तो आप तो उसको देख के बोलोगे भाई ये तो प्योर वाटर है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में वो प्योर वाटर नहीं है, क्या है उसमें, उसमें कुछ दूसरे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि कैल्शियम के आयन Ca2+ और जैसे कि मैग्नीशियम के आयन्स, करेक्ट, वो देखने में आपको कलरलेस लगता है लेकिन वो प्योर वाटर नहीं है। तो ध्यान रखिए ये जो कलरलेस लिक्विड इन्होंने हमें दिया है, ये अदर केमिकल जैसे कि इथेनॉल या कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है जिसका कलर कैसा होता है, मतलब कोई कलर ही नहीं होता है, या तो अगर ये वाटर होगा तो इम्प्योर होगा, ठीक है ना। कह रहे कैसे पता लगाओगे बताओ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हर एक लिक्विड, जो भी लिक्विड होते हैं बच्चों आपके पास, सबका एक कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर एक लिक्विड का एक कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन बोल सकते हो आप, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन ऐड करोगे, 273 ऐड करोगे तो टेम्परेचर आपको केल्विन में मिल जाएगा। यानी कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज व्हाट, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो लिक्विड उन्होंने हमें दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, जो लिक्विड उन्होंने हमें दिया है आप ले जाइए उसको बॉईल करिए, उसमें थर्मामीटर ऐसा लगा के उसको बॉईल करना स्टार्ट करो, करेक्ट। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट शार्प टेम्परेचर पे आता है, यानी कि वो एक शार्प टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली बॉईल करने लगता है, तो दिया गया लिक्विड क्या है, वाटर है। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाले टेम्परेचर पे बॉईल करता है, इसका मतलब वो क्या है, वो वाटर नहीं है, वो कोई दूसरा केमिकल है। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो कोई दूसरा केमिकल होगा, या अब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब भी वो कोई दूसरा केमिकल ही हो सकता है, मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बात समझो ना, मैं यहाँ पे कुछ बताना आपको चाहता हूँ, सुन लो मेरी बात ध्यान से। देखिए मतलब अदर केमिकल में दो सिचुएशन हो सकती है बच्चों, या तो
अदर केमिकल जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सुन लो ध्यान से, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और क्या हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, करेक्ट। जैसे कि आइए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमने आपको पढ़ाया कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो दिया गया कलरलेस लिक्विड इथेनॉल था, उसको हमने बॉइल किया, जब बॉइल किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस पे आया, तो हम बोल देंगे अरे ये तो इथेनॉल है क्योंकि ये तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है, करेक्ट। तो इस तरीके से, ठीक। लेकिन बच्चों कोई ऐसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, मान लीजिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट 210 डिग्री सेल्सियस है, कितना 210, ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 210 है जो कि 100 से ज्यादा है, तो वो भी वाटर नहीं होगा, प्योर वाटर। अब मैं यहां पे बताना आपको ये चाहता हूं, ध्यान से सुनो, अगर इम्प्योर वाटर हुआ, कैसा वाटर, इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर का ये मतलब है कि जिसमें आपके क्या हो, जिसमें आपके अदर पार्टिकल्स भी मौजूद हो, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस यहां पर मौजूद हैं, तो होता क्या है, समथिंग इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से सुन लीजिए, एक शब्द का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, याद रखिए बच्चों, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिएगा बच्चों, जब किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, सुन लीजिए, जब किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाता है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जितना है उससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो याद रखिए, ये जो हार्ड वाटर है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है, ये दिखता तो कलरलेस है लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में ये इम्प्योर है, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इम्प्योरिटी आने के कारण 100 डिग्री सेल्सियस नहीं शो करेगा, कितना करेगा 100 से ज्यादा आपको शो करेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज इम्प्योरिटीज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम देर इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कहीं ना कहीं 105 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस आपको शो करेगा, कोई डाउट है। तो ये बात हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहते थे, यदि आप इम्प्योरिटी मिला देंगे तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बात समझ में है कि नहीं, हाँ, तो ये चीज़ है। उन्होंने हमसे क्या पूछा था, प्योर वाटर है कि नहीं है, तो प्योर वाटर तभी होगा जब बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा उसका 100 डिग्री सेल्सियस, बाकी तो अगर 100 से कम आएगा तो वो कोई दूसरा केमिकल हो सकता है, अगर 100 से ऊपर आएगा तो वो इम्प्योर वाटर भी हो सकता है और कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कलरलेस होता है, वो भी हो सकता है, करेक्ट। तो अब इस चीज को एग्जाम में कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए, आई एम वेरी सॉरी। देखिए, एवरी लिक्विड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कोई भी लिक्विड है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर आपको बताना है प्योर वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, और ब्रैकेट में आप 373 केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्योर वाटर का आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे तो आपको क्या बताना पड़ेगा, प्रेशर भी बताना पड़ेगा। ये जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो प्रेशर भी साथ में बताइएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। तो ये जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेजर किया गया है, ठीक है। जितने भी बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं लिक्विड के, हम लोग कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, क्या होता है, आप खड़े हो, आपके ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है यही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या दिक्कत है, आप लैब में काम करते हो ना, तो एटमॉस्फेयर आपके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, आपके सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, आपके लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा है, वही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यानी कि जितने भी काम लैब में हम लोग कर रहे होते हैं तो उस टाइम नेचुरली प्रेशर कितना होता है, 1 atm, करेक्ट। इसलिए हम लोग ने जितने भी बॉइलिंग पॉइंट बनाए हुए हैं वो 1 atm प्रेशर पे बनाए हुए हैं, याद रखिएगा, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 1 atm है, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द गिवन, अब देखिए, इफ द गिवन कलरलेस लिक्विड बॉइल्स एट इवनली एट सॉरी इफ द गिवन कलरलेस लिक्विड बॉइल्स एट इवन स्लाइटली अबव और बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देन द गिवन लिक्विड इज नॉट प्योर वाटर। सही बात है, यही बात हमने आपको बताई कि अगर जो गिवन कलरलेस लिक्विड है इट बॉइल्स एट इवनली स्लाइट अबव और बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से अबव या बिलो बॉइल करता है तो दिया गया कलरलेस लिक्विड वाटर नहीं है, करेक्ट। देन द गिवन लिक्विड इज नॉट अ प्योर वाटर, इट मस्ट बॉइल एट शार्प टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इफ इट इज अ प्योर वाटर, ठीक है, शार्पली उसको एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल करना चाहिए अगर वो क्या है, प्योर वाटर है। बात समझ में है कि नहीं आई। दस बाय ऑब्जर्विंग द बॉइलिंग पॉइंट वी कन्फर्म वेदर अ गिवन कलरलेस लिक्विड इज अ प्योर वाटर और नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जरूरी नहीं कि वाटर दिया गया हो, आपको कुछ भी दिया गया होगा, कोई भी लिक्विड दिया गया होगा, तो उस लिक्विड का बस आपको बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि दिया गया लिक्विड प्योर है या नहीं है, या कोई और लिक्विड आपको दे दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये चीज़ है, करेक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहते हैं।
एक्स्ट्रा नॉलेज ये देना चाहते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हमने आपको बताया था अभी, ठीक है, इम्प्योरिटी मिक्स होने से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है, ध्यान से चेक करो, जब इसमें ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन आ गए, यानी कि इम्प्योरिटीज आ गई हैं। देखिए, जब वाटर बॉइल करता है, तो क्या होता है बताइए, कि ये वाटर ऐसा बॉइल कर रहा है तो वाटर के सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल निकल निकल के ऐसे ऊपर जाते हैं गैशियस फेज में। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, ठीक है, ये वाटर के सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाना है ऐसे जब ये बॉइल करेगा। लेकिन होता क्या है, दिमाग लगाइए, अगर इसमें वाटर के अलावा मान लीजिए यहाँ पर देखिए प्योर वाटर है, ये देखिए सब प्योर वाटर है, ठीक है ना, ये प्योर वाटर है, अगर प्योर वाटर है तो उसमें केवल वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर जाएगा। लेकिन जब इसमें इम्प्योरिटी मिली है, जैसे कैल्शियम के आयन है, मैग्नीशियम के आयन है, यानी कि हार्ड वाटर है तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन आपको मिलेंगे, तो होता क्या है बेटा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो बाहर से आ गए हैं पार्टिकल्स, ये वाटर के पार्टिकल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, ऐसे सोच लो आप, ठीक है। अब वाटर का मॉलिक्यूल आराम से यहां से छूट के ऐसे ऊपर नहीं जा पाता है, इस तरीके से आप समझिए, यानी कि जब आप इम्प्योरिटी मिला देंगे तो इम्प्योरिटी मिलाने से जो इम्प्योरिटी के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल को थोड़ा सा अच्छे से बॉन्डिंग करके रखते हैं, उसको ऐसा पकड़ के रखते हैं, तो वाटर का पार्टिकल आराम से ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है, जितना आराम से वो जब प्योर वाटर था तब जा रहा था। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में वाटर और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगा हुआ है केवल, तो वाटर के पार्टिकल को ऊपर जाने के लिए केवल कौन से फोर्स को ब्रेक करना होगा, वाटर और वाटर के बीच में जो लगा हुआ है उसको। लेकिन ध्यान से चेक करो, जब इम्प्योरिटी आपने मिक्स कर दी है तो वाटर के पार्टिकल्स को वाटर और वाटर के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स लगा है, उसको तो ब्रेक करना ही होगा, साथ में वाटर और जो फॉरेन पार्टिकल है जैसे कैल्शियम, उसके बीच में जो फोर्स लगा है उसको भी ब्रेक करके ऐसा ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाएगा वो ऊपर। तो दो तरीके के फोर्स का यहाँ पर उसको ब्रेक करना है, दो तरीके के फोर्स ब्रेक करने, एक तो वाटर वाटर के बीच में और दूसरा वाटर और कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो यहां पार्टिकल को ऐसा ऊपर जाने के लिए, यानी कि वेपर फेज में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी के लिए आपको उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, करेक्ट, आपको इसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा देर तक आप इसको गर्म करोगे तब जाके ये पार्टिकल कहीं से यहां पे निकल पाएगा ऐसे करके, सही है। तो इसका मतलब इसको आपको देर तक हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट एनर्जी दोगे आप इसको तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, करेक्ट। तो जो चीज़ पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे होती थी वो चीज़ अब आपको कहीं ना कहीं 102 या 105 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलेगी, कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए इंक्रीज कर जाता है क्योंकि यहां पर जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं और वाटर के बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है जिसको तोड़कर वाटर इजिली ऊपर नहीं जा पाता है, उसको ऊपर जाने के लिए यानी कि वेपर फेज में जाने के लिए और ज़्यादा यहां पर एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसके लिए आपको और देर तक हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाता है यानी कि इंक्रीज हो जाएगा, कोई डाउट है बताइए, ये चीज़ है, ओके। अच्छा, दूसरी बात बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, बच्चे ये पूछते हैं, हाउ डज द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, करेक्ट। तो मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, जरा चेक करो, ये देखिए ये वाटर लिया आपने प्योर, करेक्ट, और ये बॉइल कर रहा है तो ये पार्टिकल्स देखे ऊपर जा रहे हैं ऐसे करके। हालांकि एक्स्ट्रा नॉलेज जो हम आपको दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कमेंट सेक्शन में, तो सुनो, यहां से पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहे हैं, सही है। अब इसको ऊपर से किसने रोक के रखा हुआ है बताइए, एटमॉस्फेयर ने, भैया एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं ना जो आपको आंखों से नहीं दिखते, एयर के पार्टिकल्स नहीं है, यहां पर एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, ये सब ऊपर से ऐसे प्रेशर लगा रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसे प्रेशर लगा के रख रहा है, यानी कि यहाँ पर ऊपर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके कारण प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब सुनो, ये वाटर का पार्टिकल ऊपर कब जा पाएगा बताओ, जैसे ही ऊपर निकलने वाला होता है ऊपर के पार्टिकल इसको ऐसा प्रेशर लगा के रोक लेते हैं, तो सोचो ये वाटर का पार्टिकल ऐसा ऊपर कब जा पाएगा, सोचो, जब इस वाटर के पार्टिकल के पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो कि इसकी ऊपर वाली बाउंड्री ऐसा तोड़ के इसको हटाता हुआ निकल जाए, सही है, तो इसके पास ज्यादा एनर्जी की जरूरत, इसके पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए, तभी ये ऐसा निकल पाएगा। तो यही तो रीजन है, जब आप पानी को गर्म करते हो धीरे 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 उसका टेम्परेचर राइज होता है, प्योर वाटर है मान लो, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती जाती है, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, ये पार्टिकल ऐसे ऊपर गया, ठीक है, बट ऊपर वाले ने इसको प्रेशर लगा के नीचे फेंक दिया, फिर 25 से बढ़ाया आपने, 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर, अभी भी इस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं कि ऊपर वाले पार्टिकल का अपोज कर पाए, अभी भी ऊपर वाला इसको ऐसा दबा देता है, लेकिन करते 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 जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं तो इस वाटर पार्टिकल के पास इतनी इनफ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ऐसा ठक से मारता है इसको, ऊपर निकल जाता है, सही है। तो ये चीज़ है,
तो यही चीज है। अब सुनिए, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दें, सुन लो, अगर आप ऊपर से ऐसे प्रेशर इंक्रीज कर दें, ये देखिए ऐसे करके अगर आप ऊपर से ऐसा प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। खुद दिमाग लगाओ, अगर आपने किसी मशीन से ऐसा जबरदस्ती इसके ऊपर और प्रेशर लगा दिया ऐसे, ठीक है, तो सोचिए जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था वो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल जैसे ही ऊपर जा रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो भी इसके पास एनर्जी थी उस एनर्जी से ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर से तो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, उसको अपोज करने के लिए इसको और एनर्जी चाहिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर तक आप इसको हीट करोगे, यानी कि आपको इसको और हीट एनर्जी देनी होगी। जब आप इसको और हीट एनर्जी दोगे तब जाके ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा इसकी बाउंड्री को तोड़ के ऐसे ऊपर निकल पाएगा। यही रीजन है जब आप ऊपर से प्रेशर ऐसा इंक्रीज कर देते हो बच्चों तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा, इसी का रिवर्स प्रोसेस सोचिए। अगर हम एक वैक्यूम पंप लगाकर यहां से सारा वाटर कहने यहां से सारी एयर ऐसे हटा, जब आप एयर हटा रहे हो तो आप क्या कम कर रहे हो, एयर का प्रेशर कम कर रहे हो, एयर वाटर के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उसको आप कम कर रहे हो। तो वैक्यूम पंप लगा के ऐसा अगर हम यहां से एयर हटाने लगे ऐसे, तो वाटर के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम हो जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, यानी कि कम एनर्जी लेकर ही कम टेम्परेचर पे ही ये ऐसा ऊपर आराम से निकल जाएगा। करेक्ट, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज है, याद रखिएगा, यदि आपने इस वाटर के सरफेस पे ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और अगर आपने ऊपर से प्रेशर डिक्रीज कर दिया, ठीक है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट कर दिया वहां पर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब ये मैंने इतना कहानी इसलिए बताई क्योंकि जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं, ध्यान से चेक करिए, जब आप ऊंचे पहाड़ों पे जाते हो बच्चों, याद रखिएगा, जब हाइट बढ़ती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, याद रखिएगा, जब हाइट बढ़ती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, याद रखिएगा, हाइट इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्री, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि खुद दिमाग लगाओ ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर क्यों है, क्योंकि हमारे ऊपर एयर का एक कॉलम है, एयर का एक कॉलम है बहुत ऊंचाई तक, ये ऐसा एयर का कॉलम है, लेकिन जब आप ही ऊपर चले जाओगे तो वो एयर के कॉलम की लेंथ कम हो जाएगी, सही है, क्योंकि आप पहाड़ की चोटी पे ऐसा खड़े हो कहीं पे, सोचो आपके ऊपर कितनी एयर होगी, ये देखिए आप ग्राउंड पे खड़े हो, ये देखिए ये आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपके ऊपर ये पूरी एयर है, इतनी मान लो एयर यहां से यहां तक है, तो ये पूरी एयर है, लेकिन आप पहाड़ की चोटी पे खड़े हो तो केवल इतनी एयर है आपके ऊपर, ठीक है। तो पहाड़ की चोटी पे जब आप खड़े हो तो आप पे जो एयर का कॉलम है उसकी लेंथ कम है, तो उसका प्रेशर कैसा होगा, कम, कम मात्रा में एयर है, ऐसे सोच सकते हो आप, सही है, तो आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा। तो याद रखिएगा, पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये रीजन है कि हाइट पे जाते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वहां पर डिक्रीज कर जाता है। आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आएगी, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दी बिकॉज बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ओके।